بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الغر الميامين الذين أثاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الناس على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صلوات الله. परवरदिगार आलम के लुत्फ करम से अब हम उस मंजिल से बिल्कुल करीब तर होते जा रहे हैं कि जिसे इबादत हज कहते हैं, और दीन इस्लाम में जिस इबादत की अहमियत कुछ इतनी ज़्यादा है कि जहाँ पर खुद मासूम ने इरशाद फरमाया कि बुनी अलैहिस्सलाम अला खम्स, के इस्लाम की बिना पांच चीज़ों पर रखी गई है, वहाँ पर हज का भी तस्करा कि हज दीन इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। हज दीन इस्लाम के सुतूनों में से, जिस इमारत के ऊपर पूरे दीन इस्लाम की तामीर कायम है, जिन सुतूनों के ऊपर, उन पांच सुतूनों में से एक सुतून का नाम हज है। और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो ये न जानता हो कि इमारत की मजबूती और इमारत का कमज़ोर होना उसके डेकोरेशन से नहीं होता है, उसके आउटलुक से नहीं होता है, उसके रंग और रोगन से नहीं होता है, बल्कि उसके बुनियादी सुतूनों से होता है। अगर किसी इमारत के बुनियादी सुतून कमज़ोर है, जिन मेन पिलर्स के ऊपर वो इमारत टूटी हुई है, और इसका बेहतरीन मुशाहिदा हम खुद इस बेसमेंट में कर रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर ये सुतून कमज़ोर हो जाए, ये खम्भे कमज़ोर हो जाए, और बाहर से हम इमारत को चाहे जितना रंग और रोगन कर दें, चाहे जितने डेकोरेशन पीसेस लगा दें, तो ये इमारत मजबूत न कही जाएगी, ये इमारत कमज़ोर कही जाएगी। दीन इस्लाम को परवरदिगार आलम ने पांच पिलर्स के ऊपर रखा है, जिन पिलर्स में से एक पिलर इबादत हज। किसी ने पूछा, मौला इन पांचों सुतूनों में से सबसे ज़्यादा अहम कौन सा है? आपने इरशाद फरमाया, विलायतुना अहलुल बैत, हम अहले बैत की मोहब्बत उन सुतूनों में भी से सबसे ज़्यादा अहम सुतून है। कि अगर एक सलवात पढ़े मोहम्मद, जिसके लिए आपने इरशाद फरमाया कि कोई इंसान अगर पूरे पूरे दिन पूरी जिंदगी रोजा रखता रहे, सारी जिंदगी पूरी रात रात नमाजों में क़याम क़ुऊद करता रहे,
पनाह, यहाँ तक कि बाज रवायात के मुताबिक कोह अबू कुबैस के बराबर भी अल्लाह की राह में इंफाक करे, उसकी राह में माल लुटाए, हज करता रहे, पूरी जिंदगी हज करता रहे और ऐन हालत एहराम में सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ बेजुर्म और खता भी मारा जाए और उसके दिल में हमारी मोहब्बत ना हो तो ये इंसान जन्नत की बू भी नहीं सूंघता। परवरदिगार आलम ने उस मोहब्बत को हमारे दिलों में करार दिया। फिर जरूरत इस बात की है कि जब वो अहम उंसुर हमारे दिलों में मौजूद है तो वो बकिया अराकीन कि जिसके ऊपर वो रुकन कि जिसके ऊपर दीन इस्लाम की इमारत ठहरी हुई है उसे मजबूत करने की कोशिश करें। अपनी नमाजें ये सिर्फ उठना बैठना न रहे, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी रहे। ये रोजे सिर्फ भूख और प्यास न बन जाए, ये अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का सबब है। ये जिहाद ये माल गनीमत को लूटने का जरिया न बन जाए, ये अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने का हौसला आता था। और ये हज हज एक ऐसी इबादत है जिसका अव्वल से लेकर आखिर तक कुर्बानियों पर मुनहसिर है, जिसमें 100% सिवाय कुर्बानी के कुछ नहीं है। सबसे पहले पैसे की कुर्बानी, नौकरी की कुर्बानी, बीवी बच्चे माँ बाप की कुर्बानी, वतन की कुर्बानी, काम काज की कुर्बानी, तजारत मेहनत की कुर्बानी, और फिर उसके बाद यहाँ आ गए तो दिन दिन और रात रात की मशक्कतें, ये सब कुर्बानियाँ नहीं है तो आप क्या है। और फिर इसके बाद एक कुर्बानियों का मुतवातिर सिलसिला है। हमें लिबास अजीज है इसे कुर्बान करना है, हमें जुब्बा और दस्तार अजीज है इसे कुर्बान करना है, हमें हुस्न और जमाल अजीज है उसे कुर्बान करना है, हमें यहाँ तक के बेहतरीन नालायन जूते अजीज है उन्हें कुर्बान करना है, हमें सवारियाँ अजीज है उन्हें कुर्बान करना है, हमें राहत और आसाइश और आराम को अजीज है उन्हें कुर्बान करना है। बास मकामात पर हमें जाह और जलाल फख्र और इफ्तिखार वो अजीज है उन्हें कुर्बान करना है। जितने तरह का आराम आसाइश इत्मीनान तसव्वुर किया जा सकता है वो सब इस सफरे हज में कुर्बान करना है। हमें ये सीट अजीज है कि बस में हमें आगे वाली सीट मिल जाए। अगर हमने अपनी मर्जी और अपनी चाहत से उस जगह को कब्जिया लिया है दूसरे को अजियत देते हुए समझे कुछ फायदा क्यों? इसलिए कि जहां मोहब्बत खुदा होती है वहां किसी और शय की मोहब्बत दाखिल खुद मासूमीन का इशारे कैसे हो सकता है कि एक दिल में दो मोहब्बतें जमा हो जाए? एक दिल में उलमा तशरीह फरमाई इसकी वजाहतें करेंगे कि मासूम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत के अलावा कोई मोहब्बत है ही नहीं। किसने कहा बोला ये बीवी बच्चे घर माल दौलत ये सब का ये सब मोहब्बत खुदा की बुनियाद पर है। इसलिए कि एक दिल में दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती हैं, या तो गैर खुदा की मोहब्बत होगी या खुदा की मोहब्बत होगी, और जब खुदा की मोहब्बत होगी तो खुदा जिन जिन चीजों का हुक्म देता जाएगा उन तमाम चीजों की मोहब्बत उन चीजों की वजह से नहीं होगी, हुक्म खुदा की वजह से। यही वजह है कि अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, खुदा की मोहब्बत, मकामात मुकद्दसा की मोहब्बत उनकी ज़ाती मोहब्बत नहीं है, ये खुदा की मोहब्बत। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है और यही वो अंदाज़ फिक्र है, यही वो तरीक़े तसव्वुर है। इस्लाम ने हमें सोचना भी सिखाया है। दुनिया का कोई निज़ाम, दुनिया के सारे निज़ाम अमल बताते हैं कि आपको सड़क पर कैसे चलना है, आपको कहाँ रुकना है, आपको कहाँ बढ़ना है, आपको क्या करना है, मगर इस्लाम वो दीन है जो इंसान के
तसव्वुरात पर भी अपना कब्जा रखना चाहता है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, कैसे तसव्वुरात ज़हन में आए और कौन से ख्याल ज़हन में आने भी न पाए। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने जिनकी तारीफ की अहले बैत, उन्हें यह नहीं कहा कि ये बहुत अच्छे अमाल करते हैं, उनकी तारीफ में कहा अरे अहले बैत वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम तो वो सोचते भी नहीं हो जो अल्लाह नहीं चाहता। और हम तो उनके मानने वाले हैं, में उस तरीके कार पर चुनाचे इंतहाई अजीम शान हदीस किताब मीज़ान उल हिकमत उलमा के दरमियान राइज किताब है, मामूल किताब है अहादीस की, जिसमें अहले बैत की अहादीस मौजूआत के एतबार से आयतुल्लाह मुहम्मदी रे शहरी जो ईरानी हुज्जाज के काफिला सालार होकर अमीरुल हाज होकर ईरानी हुकूमत की तरफ से रिप्रेजेंटेट करते हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं, उनकी जमा की हुई ये किताब। इसमें एक जगह पर आप छठे इमाम के हज करने वालों के लिए हदीस नकल फरमाते हैं कि हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक लफ्ज लफ्ज मासूम का है, लफ्ज लफ्ज जबान इस्मत से निकला हुआ, और मौला चाहते हैं कि हमारे हमारा चाहने वाला इस अंदाज से हज करे। मैंने पहले ही कहा कि मैं मसाइल के ऊपर ज्यादा जोर न दूंगा, इसलिए कि तकरार मसाइल से कोई फायदा नहीं, शाम को मौला तफसील से मसाइल इरशाद फरमाते हैं, लिहाजा जरा सा उससे हटकर मानवी किरदार और मानवी मुराकबत और रूहानी हिफाजत और रूहानी तहारत, इससे मुतालिक मैं चाहूंगा कि मैं गुजारिशात अर्ज करूँ ताकि दोनों तकरीरें मिलकर जो मौजू आप तक या जो बात आप तक पहुंचना चाहिए वो मुकम्मल पहुंच जाए, और फिर हमारे उलमा हमारे जाकिरीन हैं जो बकिया बातें इरशाद फरमाते हैं। इमाम इरशाद फरमाते हैं इज़ा अरदतल हज, जब भी तुम कभी हज का इरादा करो, फजर्रिद कल्बका लिल्लाह, तो अपने दिल को सिर्फ अल्लाह की तरफ मोड़ो, सिर्फ और सिर्फ, अभी हज का इरादा कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को मुजर्रद कर दो, तनहा कर दो कि उस दिल में सिवाय अल्लाह के कोई ना रह जाए। मिन कबल आजमी, इससे पहले कि तुम अपना सफर शुरू करो अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ दो, मिन कुल शागिल, अब कोई काम में रह जाए सिवाय खुदा की, अब कोई चाहत में रह जाए सिवाय खुदा की, अब कोई इरादा में रह जाए सिवाय खुदा की, अब कोई मंजिल में रह जाए सिवाय अल्लाह की। वहजाब इन कुल हाजिब, और अपने दिल को हर पर्दे से हटाकर हिजाब इलाही तक पहुंचा दो, तुम्हारा दिल परवरदिगार तक पहुंच जाए और कोई पर्दा दरमियान में न रह जाए किसी तरह का, न औलाद की मोहब्बत का पर्दा, न बीवी बच्चों का पर्दा, न माँ बहनों की चाहत का पर्दा, न माल दौलत की इज्जत हुरमत का पर्दा, न कोई पर्दा बाकी रह जाए, सिर्फ तुम्हारा दिल हो और वो हिजाब इलाही से मिला हुआ। वफव्विज उमूरक कुल्लहा इला खालिक, और अपने तमाम कामों को अपने खालिक के सुपुर्द कर, मेरे परवरदिगार तू है और बस तू है, न माल हमारा माल है, न जान हमारी जान है, न ख्याल हमारा ख्याल है, न चाहते हमारी चाहते हैं, न इज्जतें और रहमतें हमारी रहमतें, कुछ नहीं है, जो है बस तू है। इस उमूर का कुल्ला, अपने तमाम उमूर को अल्लाह की तरफ मोड़ दो। वह तवक्कल अलैहि फी जमीअ मा यज़हर मिन हरकातिक व सकानातिक, और हर हरकत और सुकून, चलना फिरना ठहरना रुकना सोना जागना, इसे सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, उसके हवाले कर दो। मेरे परवरदिगार अगर तू ये चाहता है कि हम 5 बजे उठें तो अब 5 ही बजे उठेंगे, अगर तू ये चाहता है कि हम तेरे नबी और तेरे आइम्मा की बार बार ज़ियारत के लिए जाकर थकते रहें
तो परवरदिगार हमने तेरे हवाले अपने आप को कर दिया, इस थकन में भी हमें लुत्फ आएगा, इस थकन में भी हमें कैफ हासिल होगा। कौन है दुनिया का इंसान जो थक चुकने के बाद फिर कोई और काम करे। मगर यहाँ आप देखें कि चूंकि हमने अपने उमूर को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, पैर थके हुए हैं, उठ नहीं रहा, मगर इसे इधर किसी ने कहा बकी की चलेंगे इजारत के लिए, फौरन तैयार। क्यों? इसलिए कि हमने ये तय कर लिया है कि अब हमारा कोई ख्याल है, अब ये बदन हमारा नहीं है, हमने उसके सुपुर्द कर दिया। वसल्लिम लिक़ज़ाइही व हुक्मिही व क़द्रिही, और अपने आप को तस्लीम कर दो, सरेंडर कर दो उसके हुक्म के आगे, उसकी कुदरत के आगे, उसके फैसलों के आगे। वक़्ता दुनिया, और दुनिया को अलविदा कर छोड़ दो। अटैची कहाँ रखी है, बैग कहाँ रखा है, बिस्तर कैसा है, चादर कैसी है, लिबास कैसा है, ये सारी दुनियादारियाँ इनसे अलग हो जाओ, इन्हें अलविदा कह दो। वर राहता, और राहतों को अलविदा कह दो। वल खल्का, और सारी मखलूकात को हर एक से अलग होके अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। वअखरिज मिन हुकूकिन तलज़िमुका मिन जिहतिल मखलूकीन, और अपने आप को मखलूकात से निकाल कर अल्लाह की दुनिया में ले जाओ। कोई भी मखलूक का ख्याल कि भला क्या कहेंगे, आइमा के मज़ार देखकर हम ऐसे रोएंगे तो भला क्या सोचेंगे, उनकी मुसीबत पर हम मातम करेंगे तो भला क्या कहेंगे, इतने बड़े आदमी ऐसे रो रहे हैं। ये सारे ख्याल भूल जाओ, इनसे अपने आप को अलग कर लो। वला तअतमिद अला ज़ादिका वराहलतिका वअस्हाबिका वकुव्वतिका वशबाबिका वमालिका, और देखो कभी अपने ज़ाद सफ़र पर एतमाद न कर लेना कि हमारे पास तो बड़ा पैसा है, हमें क्या परवाह है किसी की। वराहलतिका, और अपनी सवारी पर भी भरोसा न करना। वअस्हाबिका, और अपने दोस्तों का भी ख्याल न करना। वह कुव्वत देगा, और कभी तुम्हें अपनी कुव्वत और ताकत का घमंड ना हो जाए कि हमें क्या करना है, भला बुढ़े हैं वो अपने बारे में सोचें, हम तो जवान हैं। वह शबाब का, और अपनी जवानी पर कभी गुरूर न करने लगना। वह माल का, और कभी अपने माल दुनिया पर कभी अकड़ने न लगना। मखाफत यसीरबाला, इस बात का खौफ करते हुए कि कहीं यही माल तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाए। क्या हम आए हैं, अब हमारा इसलिए नहीं जा रहे कि हमारी अटैची में 5,000 रियाल रखा हुआ है, तो ये माल हमारे लिए राहत का सामान है कि मुसीबत का सामान है, जो हमें रोज़े रसूल से दूर किए हुए। हम आए हैं 5 सेट लेकर आए हैं, लाख लाख रुपए के सेट हैं, कहीं एक बुंदा न गायब हो जाए, कहीं एक हार न गायब हो जाए। यही वजह है कि दीन इस्लाम में खवातीन के लिए कह दिया गया हार वो जेवर और जीनत जो उन्हें अजीज है, हालत एहराम में हराम है, न कान की बाली, ना नाक की कील, न सुहाग, न अंगूठी, न कोई चीज भी नहीं, सब हराम। इन सारी चीजों से निकाल के अपने आप को अल्लाह की बात कर। और यही बात मर्दों के लिए भी है। वमन इत्ता रसल्लाह वातमिद अला शैइन सय्यरहु अलैहि अदूउन वबाला, और जो अल्लाह के मुकाबले में दुनिया की इन चीज़ों पर भरोसा करता है, ये चीज़ें उसकी मुखालिफ हो जाती हैं, ये चीज़ें उसके लिए मुसीबत बन जाती हैं। ले आलम अन्नहु लैस लहु कुव्वतुन वला हीला वला लिअहद इल्ला बिइस्मतिल्लाह वतौफीक, और ये याद रखो कि दुनिया की कोई चीज़ नहीं है कि तुम्हें अल्लाह तक पहुँचा सके सिवाय अल्लाह की तौफीक की। न माल, न इज्जत, न जाह जलाल, न रुउनत, न तकब्बुर, न गुरू, ये सब तुम्हें अल्लाह तक नहीं ले जाएंगे, अल्लाह तक सिर्फ तुम्हें तौफीक इलाही ले जाएंगे। वस्तईद इस्तेदाद मन ला यरजु रुजू वहसन सोहबा वराइन औकात फराइज अल्लाह वसुनन नबी, और अपने दिन और रात अल्लाह की इताअत और नबी की सुन्नत पे गुजारो। वमा अजिब अलैका मिन अल अदब वल इहतिमाल वस सब्र वश शुक्र वश शफका वस सखा व इसाए जात व दवाम अल आदाब औकात, और तुम्हारे ऊपर वाजिब करार दिया गया है अदब में से, सब्र में से, शुक्र में से, शफकत में से, सखावत में से, ईसार में से, उसे अंजाम दो। ईसार करो, ईसार करना सीखो, सखावत करना सीखो,
हर वक्त इस बात का ख्याल रहे। अब यहाँ से इमाम हज के एक एक रुकन को जिस तरह से उनके चाहने वालों को करना चाहिए। इरशाद फरमाते कि हज के लिए आ गए सुम्मा इग्सिल। अब इसके बाद जब हज के लिए तैयार हो गए तो सबसे पहला काम क्या है, मौलाना बयान कर चुके हैं, गुस्ल एहराम। किस पानी से गुस्ल करना है? हमसे कोई पूछे तो हम कहें कि आबे मुतलक से। इमाम इरशाद फरमा रहे हैं क्या गुस्ल करो, किस पानी से? बेमा तौबतिल खालिसा, खालिस तौबा के पानी से गुस्ल करो। गुस्ल करते जाओ, तौबा करते जाओ, मेरे परवरदिगार ये हम बदन नहीं धो रहे हैं, ये हम तौबा से अपने गुनाहों को धो रहे हैं, ये हम अपनी गलतियों को धो रहे हैं, अपनी मासियतों को धो रहे हैं। वह इल्मिस, और अब लिबास पहनो, कौन सा? बगैर सिला हुआ नहीं, कौन सा लिबास पहनो? किस वतस्सिद्दे वस्सफाए वल खुजूए वल खुशू, और कैसा लिबास पहनो? सच्चाई का लिबास, पाकिजगी का लिबास, खुजू खुशूए परवरदिगार का लिबास पहनो, जिसे एहराम कहते हैं। ये दो बिना सिले हुए कपड़े नहीं हैं। अगर इसमें सिद्क व सफा न हो, अगर इसमें खुजू व खुशू न हो, वही मतानत वही रूहनत वही अकल वही चाहे दुनिया बाकी रह जाए तो कोई फायदा नहीं है कपड़े उतार देने से। एहराम दो कपड़ों को लपेट लेने का नाम नहीं है, लिबास सिद्क को सफा से वितन करने का नाम। अब हमने पहन लिया एहराम, अब हम क्या करेंगे? वाहरिम मिन कुल शैइन यमनउक मिन ज़िक्रिल्लाह। जैसे ही हमने लिबास एहराम पहना, 24 चीजें हराम हो गई। इमाम फरमा रहे हैं अपने ऊपर हराम करार दे दो हर उस चीज को जो तुम्हें जिक्र खुदा से दूर रखती है, जो चीज भी तुम्हें जिक्र खुदा से दूर कर सकती है। वजह जब का अंता, और जो इताअत इलाही के दरमियान में हायल होती हो उसे अपने ऊपर हराम करें, चाहे वो अटैची हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो बस की सीट हो, चाहे वो जो चीज भी हो, अगर वो जिक्र खुदा से दूर कर रही है तो उसे अपने ऊपर हराम करा दे। अब इसके बाद क्या कहते हैं? जैसे ही एहराम पहना, मौलाना बयान कर चुके हैं, तलबिया कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इमाम इरशाद फरमा रहे हैं व लब्बैक बेमान एजाब साफियत साफियत लिल्लाह, और तलबिया करो ऐसा तलबिया जो साफ सुथरा पाकीजा हो, जो तहारत पर मबनी हो, ऐसा मालूम हो कि अल्लाह अपने बंदे को बुला रहा है तो तुम उसके बंदे हो गए, उसकी बारगाह में लब्बैक लब्बैक कहते हुए पहुंच रहे हो। फी दावतिका लहू मुतमस्सिकन बिल हुरमतिल वुस्का, जैसे उसने अपनी रस्सी तुम्हें थमा दी हो और तुम उसकी रस्सी को पकड़ के उस तक जा रहे हो, इस अंदाज से उसकी बारगाह में आगे बढ़ो। और जब मक्के पहुंच गए तो मक्के का पहला अमल क्या है? तवाफ खाने खुदा। मौला इरशाद फरमाते हैं वतुफ, और फिर तवाफ करो बेकल्ब, अपने जिस्म से नहीं दिल के साथ तवाफ करो। माल मलाइकते हौल अल अर्श, उस तरह तवाफ करो जैसे बैत मामूर पर मलाइका उसके घर का तवाफ कर रहे हैं। इंतहाई पाक और पाकीजा दिल के साथ, एक बिल्कुल मुसफ्फा नियत के साथ, हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हमें तो लोग हाजी साहब कहने लगेंगे। ये सारे ख्यालात दिलो दिमाग से निकाल दो, जैसे मलाइका परवरदिगार अर्श इलाही पर तवाफ कर रहे हैं उस अंदाज से तवाफ करो, उस तरह से उसकी बारगाह में हाजिर होने की कोशिश करो। तवाफ का माल मुस्लिमीन बे नफ्स का हौल अल बैत, जैसे उसके अल्लाह के चाहने वाले बंदे उसके घर के गिर्द तवाफ कर रहे हैं वैसे तवाफ करो। ये नहीं कि इसे धक्का दे के हम आगे पहुंच जाए, वो कमजोर है तो वो हमारा क्या मुकाबला करेगा, उसे हम पीछे कर दें, वो हमारे आगे आ रहा है, उसने एक धक्का मार दिया हम दो धक्के मार दें, नहीं ये तवाफ का तरीका नहीं। यहाँ इज्जत और इफ्तिखार इसमें है
कि इंसान धक्के खा ले, बुराई उसमें है कि धक्के मार दे। कमाल यह है कि इंसान उस मजमू में पीसा जाए, हराम यह है कि इंसान किसी को पीस दे। कमाल यह है इंसान कम तरीन बन जाए, हराम यह है कि इंसान इफ्तिखार करे, फख्र करे, नाजायज है। और फिर उसके बाद इंसान ने तवाफ कर लिया, अब उसके बाद सही करने के लिए जाना है। मौलाना ने बयान फरमाया था कि वो दो हरी लाइटों के दरमियान हरबला करना है, मर्दों को तेज तेज कदम से चलना बेहतर है मुस्ताहब है। वह हर विल हर हवा, ऐसे भागो ऐसे दौड़ो कि जैसे तुम अपनी ख्वाहिशात नफ्स से पीछा छुड़ा के भाग रहे हो। दिल तुम्हारा चाह रहा है दुनिया का, उससे पीछा छुड़ा के भाग रहे हो कि अरे चाह तो तुम हमसे दूर हो जाओ, अरे ख्वाहिशात तुम हमसे दूर हो जाओ, अरे दिल के ख्यालात और तसव्वुरात हम तुझसे पीछा छुड़ा के भाग रहे, ऐसे हरवला करो। वतबर्रियन मिन जमीअ हौलिका व कुव्वतिका, और ऐसे तुम भाग रहे हो कि जैसे तुम अपनी कुव्वत और ताकत पर भरोसा करने वाली तमाम चीजों से भाग रहे हो। माल दुनिया, जाह जमाल जलाल, इज्जत व इफ्तिखार, ये सारी बुराइयां इस तरह हरवला करो जैसे इनसे तुम पीछा छुड़ा के भागे जा रहे। जब कोई जालिम किसी को पकड़ता है तो इंसान क्या करता है, अपनी पूरी कुव्वत से उसे जान छुड़ाने के लिए भागता है। ये बुराइयां ये तुम्हारे लिए अजाब है, ये बुराइयां ये तुम्हें जहन्नम की तरफ पकड़ रही है, खींच रही हैं, तुम इनसे पीछा छुड़ा करके हवा हरवला करते हुए भागो। इस सफा मरवा में कोई दौड़ नहीं लग रही है, वहां कोई रेस नहीं हो रही है। अगर हमने ये ख्याल किया कि हम इज्जत दुनिया मोहब्बत दुनिया से भाग रहे हैं, तब तो वो हरवला है जिसका इमाम हुक्म दे रहे हैं, तब तो वो सही है जो इमाम अपने चाहने वालों से करवाना चाहते हैं। वरना अगर वही तसव्वुरात रह गए, वही ख्यालात रह गए, वही रंग ढंग रह गया, वही तौर तरीका रह गया, तो ये एक रेस है जो किसी भी मैदान में लगाई जा सकती थी, यहां तक आने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो हज है जो इमाम हमसे करवाना चाह रहे हैं। फखरुज फखरुज मिन गफलत का, और जब हरवला करो, जब तेज तेज चलो तो अपनी गफलतों से भाग रहे हो, अपने वाजिबात को छोड़ने से भाग रहे हो कि अब वाजिबात न छूटेंगे। ए मेरे परवरदिगार, हम भाग के तेरी तरफ इसलिए आ रहे हैं कि जो बुराइयां अब तक हमसे होती रही हैं और जो वाजिबात हमसे छूटते रहे अब वो न छूटेंगे। वसल्लातका बखुरूज का इला मिना, और मिना की तरफ इस तरीके से जाओ कि जैसे तुम बुराइयों को छोड़कर चले जा रहे हो, जैसे तुम खराबियों से निकल के जा रहे हो। वरना मिना में जाना जो मुस्ताहब करार दिया गया है बेवजह है। अगर एक इंसान गुरूर अकड़ तकब्बुर बुराइयां गलतियां गुनाह मासियतें लेकर जाए फिर वो मिना भी नहीं जा रहा है, वो पिकनिक करने के लिए जा रहा है। इन सारी खराबियों को छोड़ दो और तुम मिना अरफात की तरफ निकल जाओ। वो हर बुराई से आजाद हो गए, हर खराबी से अपनी जान छुड़ा ली। वला ततमन्ने माला यहुल्लु लका वला तस्तहिक्का, और तुम्हारे दिल में कोई वो ख्वाहिश न रह जाए कि जो तुम्हारे लिए हलाल ना हो, जिसके तुम मुस्तहब ना हो। अल्लाह ने इसे हराम करार दिया है तो अब यह तसव्वुर ज़हन में ना आने पाए कि तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम उसकी तरफ अब मुड़ के देखने ना पाओ। क्यों? इसलिए कि बुराइयों से पीछा छुड़ा के तुम मिना और अरफात में आ गए। ये तसव्वुर लेकर जाना है। वातरिफ, और एतराफ करो अरफा में, मैदान अरफात में एतराफ करो बिल खताया, परवरदिगार की बारगाह में अपनी गलतियों का एतराफ करो। ये ना कहो कि वो तो सब कुछ जानता है, यकीनन जानता है, मगर उससे कहो मेरे परवरदिगार झूठ झूठ तो हमने बोला है, मेरे परवरदिगार खयानतें खयानतें तो हमने की हैं, मेरे परवरदिगार गलत आवाज़ें वो सारी गीबतें तो हमने सुनी हैं,
मेरे परवरदिगार आपके गुना वो सारे गुना तो हमने किए हैं, मेरे परवरदिगार कानों के गुना वो सारे गुना तो हमने किए हैं, मेरे परवरदिगार जबानों के गुना वो सारे गुना तो हमने किए हैं, मेरे परवरदिगार शिकम के गुना वो तो हमने किए हैं, मेरे परवरदिगार इज्जत व आबरू की गलतियां वो तो सब हमने किए। एतराफ और आरफा, रोजे आरफा और मैदान आरफात बुराइयों और गलतियों के एतराफ की जगह है। अक्सर देखा जाता है, आप भी देख लेंगे, मौलाना इस बात के गवाह हैं, लोग मौजूद हैं, मैदान आरफात में पहुंचे, बहुत थके हैं, लेट के सो गए, लोग दुआएं पढ़ रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, तो वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, और ये गाफिल अपनी जिंदगी का सबसे हसीन मौका नींद की गफलतों में गुजारे दे रहा है। इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी कायनात में तुम्हारी तौबा कहीं कबूल न हो रही हो, कोई ऐसा जुर्म हो, कोई ऐसी गलती हो, या कोई गलती हो जिसके लिए यकीन कर लिया जाए कि अल्लाह इसे कहीं माफ न करेगा, न किसी मस्जिद में, न किसी इमाम बाड़े में, न किसी मुकद्दस मकाम पर, तो रोज़े अरफा मैदान अरफात में आ जाओ। मैं ये याद रखना है कि मैदान अरफात सोने की जगह नहीं है, आराम और इत्मीनान की जगह नहीं है, जगह घेरने की जगह नहीं है, चौड़ी चौड़ी जगहों को हथियार लेने की जगह नहीं है, वो एतराफ़ गुनाह की जगह है, वो मग़फ़िरतों की जगह है, वो तौबा की जगह है, जहाँ हुसैन जैसा मासूम जब आता है तो उसका आलम ये होता है कि रावी कहता है कि मैंने हुसैन इब्ने अली को मैदान अरफात में देखा कि अपने इंतहाई पाकीज़ा घर वालों को लेकर बैठे भी नहीं हैं, एक पहाड़ के दामन पर खड़े हुए हैं, रुख खाने काबा की तरफ है और अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद करके दुआएं कर रहे हैं। आलम यह है कि ऐसे आंसू बह रहे हैं कि हुसैन की आंखों से निकले हुए आंसू आपके रुखसार पर आए, रुखसार से गुजरे तो आपकी दाढ़ी मुबारक को, रीश मुबारक को तर किया और वो आंसू इतने बहे कि आपका लिबास एहराम भीग गया। मैदान अरफात वो मकाम, हुसैन क्यों रो रहे हैं, कोई गुनाहगार है ना, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मासूम माँ मासूमा, बाप मासूम, भाई मासूम, बेटा और बेटे मासूम, नाना मासूम, और मैं जाने कितनी इस्मतें आदम तक इनके घराने में, कयामत तक इस्मतें इनके घराने में, और वो मासूम इस तरह से तड़प रहा है फरियाद, हमें अपने आप को इन बातों से आमादा। मैदान अरफात इन बातों का मकाम है, और ये कहा गया कि अगर किसी इंसान की तौबा अगर रोज़ अरफा मैदान अरफात में भी कबूल ना हो सके तो फिर उसे चाहिए कि हायर हुसैनी में जाए, हुसैन इब्ने अली के हरम में तहत कुब्बा उस गुंबद के नीचे खड़ा हो जाए तो शिर्क के अलावा परवरदिगार आलम हर गुनाह उसका माफ कर सकता है। अगर उससे मुताल्लिक है, हुकूकुल इबाद नहीं है, तो अल्लाह उसका हर गुनाह, जब तक हमें वहां पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा, ये बेहतरीन मौका है कि हमें मैदान अरफात मिलेगा, हमें रोज अरफा मिलेगा। वजद्दिद अहदका इंदल्लाहि बिवहदानियत, और अल्लाह से तजदीद अहद करो उसकी वहदानियत, मेरे परवरदिगार रोज़े अव्वल से तुझे वाहिद मानता था, एक मानता था, लेकिन आज तो एक मतलब फिर इस बात का कायल हो रहा हूँ कि तू है और बस तू है। आप दुआ अरफा पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि इमाम हुसैन ने उस दिन परवरदिगार को किस शान से याद किया, किस अंदाज से याद किया है, और बाकी और बातें इंशाल्लाह किसी और मौके पर। अब इस मकाम तक बात आ गई, जब भी हुसैन का जिक्र होता है ज़ाकिर आलिम के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि बात उससे आगे बढ़ाना बड़ा दुश्वार हो जाता है। हुसैन जैसा इबादत शियार, हुसैन जैसा अरफा और अरफात शिनास, या तो एक मर्तबा वो मंजर देखा गया कि जब नौ ज़िलहिज को मैदान अरफात में हुसैन का ये आलम है,
या फिर सन 60 में एक मरतबा फिर हुसैन को देखा गया कि सारी दुनिया का मुसलमान एक मरतबा फिर लिबास एहराम पहनकर मिना और अरफात की तरफ जा रहा है और हुसैन लिबास एहराम को उतार पूरी दुनिया मक्के की तरफ आ रही है। हुसैन मक्के से जाने की तैयारी कर रहे हैं। हुसैन जब सारी मखलूक मक्के की तरफ आ रही है तो आप मक्के से जा क्यों रहे हैं? अजब नहीं, हुसैन जवाब दे कि ये आने वाले मोहब्बत खाने खुदा में आ रहे हैं और हुसैन खाने काबा की मोहब्बत में जा रहा है। कि अगर हुसैन मक्के में रह गया तो आबरू काबा न रह जाएगी, अगर हुसैन मक्के में रह गए तो हुर्मत मक्का न रह जाएगी, लिहाजा मुझ पर ज़रूरी हो गया है कि मैं मक्के को छोड़ दूं। यही वजह है कि 8 ज़िलहिज को एक मरतबा फिर हुसैन बैत शरफ में आए। आने के बाद अपनी बहन ज़ैनब से कहा, ए बहन ज़ैनब, जिस तरह से आप मदीने में एक मरतबा सफ़र के लिए तैयार हुई थी, आज फिर एक नए सफ़र के लिए आमादा हो जाइए। अब हुसैन को मक्के में नहीं रहना है और ज़ैनब ने शायद ये ख्याल किया हो कि अब ये सफ़र मिना और अरफात की तरफ है। हुसैन ने आवाज़, नहीं बहन ज़ैनब, सारी दुनिया का मुसलमान अरफात की तरफ जाएगा और हुसैन मक्के को छोड़ रहे होंगे। यही वजह है कि जब हुसैन ने काफिला तैयार किया, इब्ने अब्दुल्ला आगे आए, आवाज दे, मौला मेरी गुजारिश है कि आप जीनते काबा हैं, आप जीनते मक्का हैं, आप शान इबादत हैं, आप मक्के से तशरीफ न ले जाइए। हुसैन ने एक मरतबा आवाज दी, नहीं, मैंने जो अपने नाना से वादा किया है उस वादे को मुझे पूरा करना है। मैंने नाना से वादा किया था कि जान तो दे सकता हूँ मगर हुरमत काबा न जाने दूंगा, मगर एहतराम काबा खत्म न होने दूंगा, इसलिए निकल रहा हूँ। लेकिन एक मरतबा चाहने वाले ने देखा कि हुसैन के साथ बीवियां भी हैं, हुसैन के साथ बच्चे भी हैं, अब ये काफिला मक्के से बाहर की तरफ जा रहा है तो एक मरतबा चाहने वाला आगे बढ़ा, आगे बढ़ के आवाज देता है कि ए मौला, हम जानते हैं कि आपका सफर शहादत की तरफ है, आपका सफर इशारत की तरफ है, आपका सफर बियाबानों की तरफ है। ए मौला, मैं आपके लिए नहीं कह सकता, आप जाना चाहे तो जाए, मगर ए हुसैन, इन बीवियों को तो न ले जाए, इन बच्चों को तो न ले जाए। जैसे ही ये सुनना था, एक महफिल से ज़ैनब की आवाज आई कि मेरे भैया के चाहने वाले, अपनी ज़बान को रोक ले, क्या तू मुझे अपने भाई से जुदा करना चाहती है? ये नामुमकिन है कि मेरा हुसैन जाए, मैं रुकी रह जाऊं, मैं ठहरी रह जाऊं। शायद यही वजह रही हो कि आज तो ज़ैनब अपने भाई के साथ चली गई, मगर जब कर्बला से शहादत हुसैनी के बाद ये काफिला चला तो ज़ैनब आगे जा रही है और मुड़ मुड़ के देख रही है, ए भैया हुसैन, ए भैया अब्बास, जब मदीना और मक्का से चले थे तो तुम हमारे साथ थे, आज बहन जा रही है तो क्या तुम साथ न दोगे? अजब नहीं लाशें तलब गए हो, ए ज़ैनब, अगर मेरे परवरदिगार, ये तेरा वास्ता, अब मदीने में हम सब के आखिरी चंद रोज बाकी रह गए हैं। मेरे परवरदिगार, तुझे इस शहर मुकद्दस का वास्ता, इसके इमामों का वास्ता, इसके मासूमों का वास्ता, हमारी इन मुख्तसर बेकैफ बेलुत्फ इबादतों को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों की अगर अब तक मफ़रत न हुई हो तो ऐ मेरे परवरदिगार, हम सबको माफ फरमा। ये दुनिया से गुजर चुके हैं, उनके दर्जात को बुलंद फरमा।
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، جو مقروض ہے غیب سے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہے شفائے کامل عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، بقیع کے یہ ٹوٹی ہوئی قبریں اب دیکھی نہیں جاتی، میرے پروردگار ان قبروں کو اور تمام مقامات مقدسہ کی تعمیر کے سبیل فراہم فرما۔ میرے پروردگار منتقم خون ائمہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اپنے تمام مرحومین اور جملہ ارواح مومنین و مومنات بخصوص جن مرحومین کے لیے